मैं आज ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पापी लोग आने से डरते हैं, जिसे स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने स्वर्ग प्रस्थान किया था। यहाँ है ऐसा झरना जो पापियों पे नहीं गिरता है। जब भी आओ सोच समझ के आना, अचानक की बर्फबारी और तूफान आ गया है। बाप रे बाप, बैक साइड देख सकते हो आप। वीडियो बाप में बनाए, चलो यहाँ फंस गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो सब नहीं रह जाएगी। पिछली बार तो मैंने हार मान ली थी इस ट्रैक पे, लेकिन आज पूरा करने वाला हूँ ट्रैक। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? अनबिलीवेबल, अनपॉसिबल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आपका माणा के पार्ट टू में। आज ले जाने वाले हैं हम आपको वसुधारा फॉल में, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। वैसे तो लोग ज्यादातर बद्रीनाथ आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, बहुत कम, लगभग 100 लोगों में से एक लोग जाते हैं। तो हमने सोचा हम भी वहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पहले लास्ट दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब फर्स्ट दुकान हो गई इंडिया की, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जब मैं पिछली बार आया था तो आधे रास्ते लौट आया था, उस टाइम ये गेट बन रहा था। अभी गेट बन के तैयार हो चुका है और आज हम सोच रहे हैं पूरा ट्रैक करें ऊपर तक का। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको रास्ते में देखने को मिलेगी सरस्वती नदी, जो कि यहीं से उत्पन्न होती है। जस्ट ये वाला पहाड़ देखो यार, कितना जबरदस्त और बड़ा पत्थर टाइप का है, बाप रे। दोस्तों जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि पांडव लोगों ने भी स्वर्गारोहण के लिए यहीं से प्रस्थान किया था। आप इस पूरे रास्ते में देख सकते हो भैया और मेरे अलावा कोई नहीं। रास्ते भर में आपको कुछ ऐसे फूल दिखाई देंगे मस्त पीले पीले। तो सच बताऊं तो दूर दूर तक इस ट्रैक पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। भैया और मैंने रिस्क ले लिया है, इश्क है तो दोस्तों रिस्क है, और हमें महादेव से इश्क है। बाकी हमारे साथ एक मार्गदर्शक बना हुआ है, आगे देखिए। हेलो, ला ला ला। तो ये स्वयं महादेव ने भेजो हमारे पास, विष्णु भगवान ने भेजो। दोस्तों जब पांडव लोग इस ट्रैक पे गए थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी गया था, और सच बताऊं तो वो कुत्ता लास्ट तक उनके साथ रहा। एक एक करके सारे पांडव खत्म होते चले गए और सिर्फ वही कुत्ता और युधिष्ठिर जी बचे। तो क्या इतिहास दोहराया तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे साथ भी एक डॉगी है। ये देख सकते हो कभी आगे जा रहे कभी पीछे, तो हमारे साथ बना हुआ है। कहाँ तक बना रहा है गाइस? हमारा ट्रैक कुछ ऐसा है, यहाँ होते होते जाना है और आगे रास्ता गुम भी हो जाएगा। इस ट्रैक में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये बर्फीले पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ठंडी हवा दे रहे हैं वो, जिससे सांस बहुत फूल ली है। मतलब ब्लॉग बनाते समय भी अजीब सा हो रहा है दिल में। देखो कुछ ऐसे पहाड़ से हैं जहाँ की कुछ भी नहीं है वनस्पति, ये लगा लो कि हरा भरा कुछ है ही नहीं, ओनली पहाड़ है। ये खदान टाइप अजीब ही लग रहा है। अभी मैंने एक घोड़ा देखा तो ऐसा लगा कि हाँ भाई यहाँ कोई ना कोई रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घोड़ा भी नीचे से ही आ रखा है। अभी जस्ट हम 1 किलोमीटर ही चले हैं, अभी और ज्यादा चलना है। और दोस्तों ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों को देख के लगता है कि यहाँ पे कुछ बना होगा पहले और अब तोड़ रखा है। ये देखो एकदम मस्त करके चिनाई कर रखी है इसकी। यहाँ पे जो घोड़े खच्चर दिखाई दे रहे हैं ये आर्मी वालों के, डर भी लग रही है भाई। सच में दोस्तों यार बहुत टफ रास्ता है और एकदम ऐसा लग रहा है स्वर्ग में ही जा रहे हूँ, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, और ऐसे में सांस बहुत फूल ली है। जस्ट मेरे बैग में चेक करो, बर्फ के पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी तक वो बहुत दूर दिखाई दे रहे थे और वहाँ से आए हम उतनी दूर से, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर से। पिछली बार तो मैंने हार मान ली थी इस ट्रैक पे, लेकिन आज पूरा करने वाला हूँ ट्रैक, क्योंकि पिछली बार लोगों ने पहले ही डरा दिया था। इस बार हमने किसी की नहीं सुनी, बस अपने दिल और दिमाग की सुनी। तो चलते हैं। इन सूखे पत्थरों के बीच में कहीं कहीं पे आपको बुग्याल देखने को भी मिलेगा, लेकिन ये बुग्याल भी एकदम सूख चुका है। थोड़ा आगे चलने पर मैंने चश्मा पहन लिया, क्योंकि जस्ट मेरे सामने ये पहाड़ कितने क्लोज आ गए हैं। नदी पार करके मैं उनके ऊपर जा भी सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए हिम्मत भी चाहिए और ऊपर बहुत माइनस में भी चला। तो दोस्तों रास्ते में चलते चलते मुझे एक गधेरा दिखाई दिया, और ये देखो यहाँ से खूब सारा पानी आ रखा है ऊपर, देखो पूरा। मुझे लगता है ये बरसात के मौसम में तो भयंकर ही आता होगा। जस्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आप देख सकते हो इस गधेरे ने कितनी बड़ी जगह बना रखी है। यहाँ अलग फाड़ रखा है, यहाँ अलग फाड़ रखा है, मतलब यहाँ तक इतना पानी आया होगा बहाव में। और ये देखो, और वहाँ तो क्या ही बताएं। जो अभी गधेरा मैंने बीच में दिखाया था, तो देखो यहीं वो बर्फ पिघल पिघल के आ रही है वहाँ, और फिर ये जाके ऐसे फिर वहाँ मिक्स हो के फिर वहाँ जा रहा है। बहुत दूर से आ रखे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको 12x में। ये देखो ये है माणा गाँव, और अभी हम हैं यहाँ। अभी तक जो रास्ता था वो पीछे छूट चुका है, अब जुड़ चुका हूँ मैं नए रास्ते में, नए पहाड़ में आ चुका हूँ, और यहाँ अलग ही लग रहा है यार। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग की सीढ़ी में। वो तो कर्म के हिसाब से ज्यादा आदमी स्वर्ग या नरक, आज के जमाने में कौन जाएगा यार स्वर्ग में।
ये रास्ता पूरा कंफ्यूज कर देगा आपको, कभी ऊपर है कभी नीचे है फिर ऊपर है, 5 किलोमीटर ऐसा लगेगा आपको कि 25 या 50 किलोमीटर होगा। गाइज अभी वीडियो चालू और मैंने अपना फ़ोन 3x कर रखा है, आप देखो यार वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये देखो। तो क्या हो सकता है वहाँ ऐसा, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? अनबिलीवेबल, अनपॉसिबल। तो अगर आप ऐसे बर्फीले मौसम में आओ तो अपने पास चश्मा लेके जरूर आना, वरना आपकी आंखें ख़राब हो सकती है, वो लाइट इतनी तेज़ पड़ रही है ना आंखों पे। और ब्लैक चश्मा लेके आना, ब्लैक ब्लू कैसे भी चलेगा बट नॉर्मल चश्मा मत लाना। दोस्तों अभी मुझे हल्की से उस साइड कुछ दिखाई दे रही है, हल्की हल्की लगता है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो जस्ट चलते हैं यार अपने सपने की ओर, बढ़ते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं रखता, वहां जाने की हिम्मत हम रखते हैं। और इतना टफ ट्रैक है ये कि आपने लाइफ में देखा, मैं कह नहीं रहा हूँ यार 90 में से 1% लोग यहाँ आने की सोचते हैं, वो भी आधे रास्ते से लौट के चले जाते जैसे मैं पिछली बार गया था। ऊपर दोस्तों ऊपर वाले का करिश्मा देखो यार, इतना लंबा चलने के बाद भी मुझे यहाँ नीचे एक टीन सेट दिखाई दिया। और उस टीन सेट में एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यार इधर उधर आपको कहीं बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन टीन सेट के पास में देखो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और कोई रहता है या नहीं रहता है ये तो मालूम नहीं। दोस्तों ये वाला ट्रैक बहुत कंफ्यूज करा रहा है मुझे, कभी लग रहा है यहाँ कोई नहीं है कभी है। मुझे मेन डर बस जंगली जानवरों का है और थोड़ा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं रास्ता ठीक है और कहीं भटकीला वाला है, मतलब आदमी इधर उधर कहीं भी भटक सकता है ऐसे रास्तों। दोस्तों इतनी दूर आने के बाद मैं अचानक डर सा गया, क्योंकि इन पहाड़ों को देख के लग रहा है कि कभी भी कोई भी जानवर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जगह ही ऐसी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसे देख के मैं डरा हूँ, आपको जस्ट जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ कोई है। और ये देखो ये क्या चीज़ है भाई, ये देखो ये है भीड़। ओ भाई उन्हीं को देख के अचानक इतना खतरनाक डर गया था, मैंने कहा ये क्या है, और पूरा ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पे शेर भी हो सकता है, लेकिन शेर है तो ये कैसे हैं, या तो ये जंगली हैं या पालतू हैं, आप लोग बताना कमेंट में यार ये है क्या चीज़। अभी तक आपने मेरे बैग से कुछ और देखा होगा, अब देखो कुछ और, बिल्कुल वो ग्लेशियर पार कर चुका हूँ मैं। ग्लेशियर बोले तो वो एकदम पूरा पहाड़ी छोड़ दिया मैंने पीछे, पहले वहाँ से माना विलेज दिखाई दे रहा था, अब कुछ नहीं दिख रहा है, बस जितने ऊपर जा रहा हूँ उतना हवा बढ़ती जा रही है। और सच बताऊँ तो ये वैसे ट्रैक एकदम सीधा ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि बिल्कुल चढ़ा ही नहीं जाता और ना ही बोला जाता है। मेरा ये मास्क पूरे दिन भर रखा हुआ है, जस्ट ब्लॉग बनाते समय उतार रहा हूँ मैं इसको। और उन पहाड़ों का तो पता नहीं, और ये देखो भाई साहब। गाइस इस ट्रैक को देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि स्वर्ग का रास्ता है, ये देखो भाई बस उन चट्टानों के ऊपर पहुँचने ही वाले हैं, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोचा नहीं है कुछ कि आगे क्या होने वाला है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं गुस्कारा, आप जस्ट मेरे ऊपर देख सकते हो, जस्ट पीछे ग्लेशियर जमा हुआ है। और वो कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। पिछली बार ऐसी लौट गया था लेकिन इस बार नहीं, पूरी हिम्मत दिखाई और फाइनली पहुंच चुके हैं। भले अभी पानी नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना पानी नीचे गिरता है तो हट जाते हैं, यहाँ पे देखो आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो पूरा ग्लेशियर टाइप में बदल रहा है, आप और जगह से भी पानी निकल रहा है, लेकिन वो सुधारा तो बाप रे। और दोस्तों ये ट्रैक इतना आसान नहीं है जितना वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर, जब आप आओगे तभी पता लगेगा, बाकी तभी तो कह रहा हूँ यहाँ लोग आके हार मान जाते हैं, आधे क्या एक तिहाई हिस्से से ही वापस चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो तुम्हारा भाई है। मेरे थ्रू आप भी दर्शन कर लो, आपको जूम करके दिखाता हूँ। बाकी हमारे भैया जी भी पहुँच चुके हैं और देखो बैक में देखो बाप रे। तो गाइस काफ़ी लेट लगा दी इन्होंने, बट क्या कर सकते हैं, इनके चक्कर में 1 घंटा यहाँ पर बैठा रहा मैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप, आ हा हा हा, चलो भैया चलो, या हमारे थ्रू आपके भी दर्शन हो गए तो धन्यवाद जरूर बोलो। चलो जी तो यहाँ बर्फ फूटती हुई आ रही है, आप देख सकते हो, जस्ट हम दोनों ही यहाँ पे घूम रहे हैं तो अकेले में भाई अब डर भी लगने लगी है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर कितनी लग रही है उड़ उड़ के। ओ भाई गाइस जहाँ भी जा रहा हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ और वसुंधरा फॉल, हर जगह बर्फ मिल रही है, बर्फ उड़ के मिल रही है। ओह लगी बर्फ का तूफान आ गया है, जस्ट मेरे बैग में देखो अचानक क्या हो गया, ये भागते हैं फटाफट से क्योंकि मेरा रेनकोट भी वहां। इसी बीच मुझे एक झील दिखाई दी और ये देखो क्या जबरदस्त लग रही है, लेकिन जाने का मन तो है लेकिन जा नहीं सकते यार, बर्फबारी भी हो रही है। तो इस ट्रैक पे जब भी आओ सोच समझ के आना, अचानक ही बर्फबारी और तूफान आ गया है, बाप रे बाप। बैक साइड देख सकते हो आप, चलो यहाँ फंस गया ना, देखी देखी हो जाएगी, वीडियो सब नहीं रह जाएगी।